माता पार्वती ने गौ माता को दिया श्राप। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया है, इसीलिए इन्हें लोग गौ माता भी कहते हैं। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारे भारत देश में इन्हें लोगों का जूठन खाना पड़ता है। जब घर की रसोई बनती है तब सबसे पहली रोटी गाय के लिए ही निकाली जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में गाय को इतनी उच्च प्रधानता दी गई है कि जिसने अपने जीवन में गौ दान नहीं किया वह वैतरणी नदी को नहीं पार कर पाएगा। पुराणों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता है, जो कि गाय में ये सभी देवी देवता निवास करते हैं। फिर इनके साथ इतना बुरा बर्ताव आखिर क्यों होता है? आज हम आपको इन सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ समुद्र के किनारे घूमने के लिए गई। थोड़ी देर दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि अचानक भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देवी, मैं अभी कुछ काम से जा रहा हूँ, आप यहीं पर हमारा इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ये कहकर भोलेनाथ वहां से चले गए। अब माता पार्वती को वहां पर बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन भोलेनाथ आए ही नहीं। उस दिन तीज व्रत भी था। माता पार्वती ने वही समुद्र के किनारे रेत से शिवलिंग बनाई तथा अगल बगल से पुष्प का इंतजाम किया और तीज का व्रत रखा तथा भोलेनाथ की पूजा की। भोलेनाथ वहां पर सूक्ष्म रूप में आकर ये सभी दृश्य देख रहे थे। सुबह माता पार्वती ने रेत से बने शिवलिंग तथा पुष्प को समुद्र में विसर्जित कर दिया। अगले दिन भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा कि देवी, कल तीज का व्रत था, आपने कल मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, कल मैंने तीज व्रत भी रखा था और पूजा भी की थी। भोलेनाथ ने कहा कि आपने कहा पूजा की है, यहाँ पर न तो शिवलिंग है और न ही चढ़ाए हुए पुष्प, फिर मैं कैसे मान लूं कि कल आपने मेरी पूजा की थी। वही समुद्र के किनारे एक गाय थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इससे पूछ लीजिए। फिर उस गाय से भोलेनाथ ने पूछा कि क्या पार्वती ने तीज पर मेरी पूजा की थी। गाय ने सिर हिलाकर मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि देखा, आप मेरे से झूठ बोल रही है। इस बात से माता पार्वती उस गाय के ऊपर बहुत क्रोधित हो गई। माता पार्वती ने उस गाय को श्राप दिया कि यद्यपि तेरा जन्म इस संसार में जन कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन तुमने सच को जानते हुए भी झूठ बोला, अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ कि इस झूठ को बोलने के कारण तुझे लोगों का जूठन ही खाने को मिलेगा, तुझे बढ़िया भोजन कभी नहीं मिलेगा। तब से लेकर आज तक गाय को लोगों का बचा कुचा जूठन ही मिलता है। दोस्तों, ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।